नमस्कार, सलाम, आदाब। और ठंड बढ़ गई है दिल्ली में और मुझे लग भी रही है। 25 दिसंबर की सुबह लगभग 6-7 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और लगभग 12-1 बजे 25 दिसंबर को आपको ये वीडियो देखने को मिल भी जाएगा। वीडियो का संबंध दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से है और हिंदी विभाग के उन सभी बच्चों से है जो अपने पीएचडी के इंटरव्यू का वेट कर रहे थे, उसके लिए सूचना आई है। विश्वविद्यालय की सूचना वेबसाइट पर रात्रि में ही शायद अपलोड की गई है, क्योंकि 24 दिसंबर की शाम तक ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पे था। तो नहीं, अगर होता तो आपको सूचना मिल जाती कल की ही डेट में, लेकिन आज मिल रही है, इसका मतलब नोटिफिकेशन बैक डेट का डाला गया है। डेट 24 दिसंबर ही है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप लोगों को कौन से डॉक्यूमेंट ऑफलाइन माध्यम से सबमिट करने हैं, आपका साक्षात्कार कब होना है जिन्होंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया है या फिर जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, ठीक है, और शेड्यूल क्या है ये आपको बताया गया है और सिनॉप्सिस के विषय में कुछ जानकारियां दी गई हैं। और साथ ही साथ में कुछ एप्लीकेशन फॉर्म और भी हैं जो आप जिसका आपको प्रिंट आउट निकालना होगा, उसको फिलअप करना होगा, और फिलअप करने के साथ में उसको इंटरव्यू के दिन या इंटरव्यू से पहले भी आप चाहें तो डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में सबमिट करने हैं। आपको ध्यान रखिएगा, नॉर्थ कैंपस में, साउथ कैंपस नहीं, नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। चलें सूचनाओं की तरफ। पहले बात कर लेते हैं इंटरव्यू की डेट्स की, और हम पहले बात करेंगे उन बच्चों की जिनका चयन प्रवेश परीक्षा के आधार पर हुआ है, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश परीक्षा पास की है। एक बात और, इस वीडियो में, पीएचडी वाले वीडियो में पार्ट 6 से केवल हिंदी की ही सूचना है, किसी और डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन नहीं मुझे देखने को मिला है, ठीक है। तो हिंदी की ही बात करेंगे और हिंदी में ही तो बात हमेशा करते हैं। आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 30 दिसंबर 2022 से, यानी कि इस वर्ष का सेकंड लास्ट डे, या कह लीजिए वर्किंग लास्ट डे, वर्किंग लास्ट डे, ठीक है, क्योंकि 31 को तो काम करेंगे नहीं आप लोग, या फिर कोई करने नहीं देगा, जोक सवाल। 30 दिसंबर को आपका इंटरव्यू है और लगभग तीन तीन शिफ्ट में आपके इंटरव्यू रखे गए हैं। आपका नाम और आपका फॉर्म नंबर लिस्ट में चेक कर लीजिएगा, और जिन बच्चों का नाम लिस्ट में नहीं है उनको क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। ऑफलाइन माध्यम से इंटरव्यू है, आपको फिजिकल मोड पे डिपार्टमेंट में जाना होगा और इंटरव्यू देना होगा। 30 दिसंबर सुबह 9:30 बजे से इंटरव्यू स्टार्ट है, तो आपको 9 बजे पहुंचना होगा। 25 बच्चों का इंटरव्यू है। 30 दिसंबर को फिर 11 बजे से अगले 25 बच्चों का इंटरव्यू है। 30 दिसंबर को 2 बजे से अगले 25 बच्चे, यानी कि 25 के बाद फिर 50, फिर 75, फिर 100, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। तो 30 दिसंबर की डेट में जिन बच्चों का इंटरव्यू होना है उनकी संख्या है 1 से लेकर 100। अब ये सीरियल नंबर को आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर नीचे अगर होता है तो सूचना आपको नहीं मिलेगी, आपको खुद ही चेक करना होगा, ठीक है। तो 30 दिसंबर पहला दिन है, 100 बच्चों का इंटरव्यू रखा गया है तीन अलग अलग शिफ्ट में, सुबह 9 बजे, 11 बजे, 2:30 बजे, और एक शिफ्ट और है शाम को 3:30 बजे की, ठीक है। अब 25 बच्चे हैं, 1.5 घंटे का समय है, यानी कि 90 मिनट 25 बच्चे, तो मान लीजिए आपको हो सकता है 1.5 मिनट मिले इंटरव्यू के लिए। 1.5 मिनट में क्या होगा, जो होगा आपको करना है, ठीक है। 30 दिसंबर के बाद अगली इंटरव्यू की डेट है 2 जनवरी याद रखिएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ ये केवल एंट्रेंस क्वालिफाई बच्चों का शेड्यूल है, एग्जामटेड का बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। फिर आपका इंटरव्यू है 2 जनवरी से 31 दिसंबर, और 1 जनवरी को इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। फिर इंटरव्यू है 2 जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से, सीरियल नंबर 101 से, 101 से लेकर सीरियल नंबर 200 तक के बच्चों का इंटरव्यू 2 जनवरी को रखा गया। फिर सीरियल नंबर 201 से लेकर सीरियल नंबर, अरे दादा, सीरियल नंबर 300 के बच्चों का इंटरव्यू है 3 जनवरी को, ठीक है, समझ रहे हैं ना, 3 जनवरी को। 4 जनवरी को किसी का इंटरव्यू नहीं है। फिर इंटरव्यू है 5 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से, सीरियल नंबर 301 से लेकर, सीरियल नंबर 301 से लेकर सीरियल नंबर 350 के बच्चों का इंटरव्यू होगा 5 जनवरी को, 4 जनवरी को इंटरव्यू नहीं है। ये हो गई खत्म लिस्ट जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई की है, और 350 बच्चे प्रवेश परीक्षा में पास हुए थे और इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अब बात करते हैं एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों की, ठीक है। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 900 प्लस है। तो 350 और 900 प्लस, यानी कि लगभग लगभग
11-12-13 सौ बच्चे बुलाए गए हैं इंटरव्यू के लिए, 100+ सीटें हैं, एक सीट पे 10 बच्चे मान लीजिए, ठीक है। जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं उन सभी के ध्यान से सुनेंगे कि आप लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 6 जनवरी से, और सीरियल नंबर 1 से लेकर, ठीक है, आप अपना, पहले मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट में अपना नाम आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लिस्ट में ऐसे बच्चे भी मिल रहे हैं जिनका नाम दो दो जगह पर है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में भी है, एंट्रेंस, जैसे कि एक नाम है अनुराग सिंह, पहला ही नाम है, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में इस विद्यार्थी का नाम है और प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई कैटेगरी में भी नाम है, तो ऐसे भी बहुत से बच्चे होंगे, तो हो सकता है जो बच्चे 1200-1300 हैं उनकी संख्या 1000 या 900 हो जाए, लेकिन हमारा काम तो लिस्ट बताना है, आप लोग बाकी चीज़ों को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपका नाम दोनों जगह है, अगर नाम दोनों जगह है ना, तो डिपार्टमेंट में को आपको लिख कर देना होगा 30 जनवरी से पहले कि आप इंटरव्यू कौन सी कैटेगरी में देना चाहते हैं, एंट्रेंस क्वालिफाई कैटेगरी में या एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में, और अगर आप ऐसा नहीं बताते हैं, दोनों जगह इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपके ऊपर चार्ज लग सकता है, कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर जामिया, BHU और JNU में ऐसे मामले सामने आए थे और प्रशासन ने कार्रवाई की थी बच्चों के ऊपर, आपके ऊपर भी ऐसा ना हो इसलिए पहले ही सूचित कर दीजिएगा विभाग को कि आप इंटरव्यू एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में या एंट्रेंस क्वालिफाई कैटेगरी में दे रहे हैं या दे रही हैं, ठीक है। पुनः विषय पर आते हैं, जिन बच्चों ने प्रवेश परीक्षा से छूट प्राप्त की थी यानी कि एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे, और यदि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में हैं, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के वक्त में अगर आपके पास इसका प्रूफ नहीं है कि आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में किस आधार पर हैं, तो आपका नाम इंटरव्यू से हटा दिया जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। 6 जनवरी 2023 सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे से इंटरव्यू, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बच्चों का इंटरव्यू, सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 100 ही है इसके अंदर भी, शेयर है 7 जनवरी सीरियल नंबर 101 से लेकर सीरियल नंबर 200 तक, हाँ 200 तक है, फिर है 9 जनवरी, 8 जनवरी को इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, इसका ध्यान रखें 8 जनवरी इंटरव्यू नहीं है, 9 जनवरी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी सीरियल नंबर 201 से लेकर 300 तक, ठीक है, 9 जनवरी को 300 बच्चों का, 300 तक बच्चों का, फिर है 10 जनवरी सीरियल नंबर 300, अब देखिए सीरियल नंबर 301 एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में जिस बच्चे का नाम है, इनका नाम प्रवेश परीक्षा के आधार पर भी चयनित हुआ है, तो इनका नाम भी दो जगह है, ठीक है। ये बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको अपने पर ज़्यादा और दूसरों पर कम विश्वास होता है, लेकिन ऐसे बच्चे एक सीट वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का नाम दो जगह आया है, इसका मतलब क्या है, एक योग्य उम्मीदवार का नाम नहीं आ पाया है ना, ऐसी गलती भविष्य में आप लोग ना करें, ये सलाह और सुझाव दोनों है, स्वीकार करना मेरी सलाह को या इग्नोर करना दोनों आपके पास है। सीरियल नंबर 301 इंटरव्यू की डेट है 10 जनवरी सुबह, रिपोर्टिंग टाइमिंग 9 बजे से है, और हाँ आपकी भी 4 शिफ्ट हैं, सुबह 9:30 बजे की, 11:30 बजे की, 2:30 बजे की और 3:30 बजे की, 301 से लेकर सीरियल नंबर 400, 10 जनवरी 11 जनवरी को सीरियल नंबर, यानी कि आप लोग खुद देख लीजिएगा, ठीक है, अपनी समझ से 10 जनवरी को इंटरव्यू है, 11 को है इंटरव्यू, 12 जनवरी को इंटरव्यू है, 13 जनवरी को भी इंटरव्यू हाँ है, उसके बाद 13 जनवरी के बाद इंटरव्यू है, 14 जनवरी को है, 16 जनवरी को है, 15 जनवरी को इंटरव्यू नहीं क्योंकि विजय दिवस है, 16 जनवरी को इंटरव्यू है, उसके बाद 17 जनवरी को इंटरव्यू है, उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं है, 17 जनवरी लास्ट 976 सीरियल नंबर प्रेम सौरभ मौर्यन का नाम है, बताई देते हैं, यानी कि 17 जनवरी तक आप लोगों के इंटरव्यू चलेंगे, 6 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक एग्जाम्प्टेड कैटेगरी हिंदी PhD के इंटरव्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में, और 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 के बीच में प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई बच्चों के इंटरव्यू है हिंदी विभाग PhD 2022-23 का सेशन। अब कुछ ज़रूरी बातें ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो हो सकता है इंटरव्यू के दिन आपका इंटरव्यू ना हो पाए, जैसे कि कोविड के नियमों का पालन करिएगा, और इस लिस्ट में यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जिसको लगता है कि उन्होंने प्रवेश परीक्षा पास की थी या फिर एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में थे लेकिन उनका नाम नहीं आया है लिस्ट में, तो उनको क्या करना है, ऐसे सभी विद्यार्थी 30 दिसंबर 2022 तक या उससे पहले भी विभाग में एक लिखित आवेदन देंगे, साथ में प्रमाण पत्र भी देंगे यानी कि प्रूफ देंगे कि आप एग्जाम्प्टेड थे या फिर एंट्रेंस क्वालिफाई थे, लिखित आवेदन देने के बाद ही आपका नाम इस लिस्ट में ऐड किया जाएगा या आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, चाहे आप प्रवेश परीक्षा से के आधार पर हों या आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर हों, ठीक है। कोविड के नियमों का पालन करना है सभी को। दूसरी तीसरी बात, एक शोध प्रस्ताव, एक
शोध प्रस्ताव, रिसर्च प्रपोजल, सिनॉप्सिस, कुछ भी कह लीजिए, आपको लिखकर बनाकर लेकर जाना है। और शोध प्रस्ताव का विषय वही होना चाहिए जो आपने प्रवेश परीक्षा के लिए जब फॉर्म भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसे मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में है, हिंदी में ही बनाना है, टाइप कर कर लेकर जाना है, हाथ से लिखा हुआ नहीं लेकर जा सकते हैं, या लेकर न मत जाइएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नया विषय होना चाहिए, अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखा गया है। ठीक है, अब विषय आपकी रुचि का हो सकता है, और विषय कुछ भी रख सकते हैं आप, किसी भी पीरियड का रखिए, आदिकाल रखिए, आधुनिक काल रखिए, उत्तर आधुनिक रखिए, मध्यकाल रखिए, मध्यकाल में भक्ति काल रखिए, रीति काल रखिए, या साहित्य की किसी विधा पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उपन्यास पर रखेंगे, नाटक पर नहीं रखेंगे, कहानी पर रखेंगे, या पत्र पर, जिस पर रखना है रखिए, अपने दृष्टि से अनुसार उसका पालन कीजिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। उसके अलावा पिक्चर भी मेरे दोस्त बाकी है, 30% और वीडियो बाकी, यानी कि 3-4 मिनट और लूंगा आपके, 3-4 पेजेस के कुछ फॉर्म दिए हैं, दोनों ही लिस्ट में अटैच करे गए हैं लास्ट में, एग्जाम के कैटेगरी के लिए और प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई बच्चों के, दोनों के लिए कुछ फॉर्म है लिस्ट के अंदर अटैच, उनका प्रिंटआउट निकालना है आपको, उसको फिलअप करना है, और फिलअप करेंगे उन पेजेस को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं सारे, और ये वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाते वक्त अटैच किए थे, या जिनकी एकेडमिक जानकारी आपने दी थी, यूजी, पीजी, टेंथ, ट्वेल्थ, यदि एमफिल है तो, नेट है तो, जेआरएफ है तो, एससी एसटी ओबीसी जिस कैटेगरी में, इन सभी के प्रमाण पत्र आपको देने हैं, एंट्रेंस में कितने स्कोर प्राप्त किया है उसका रिजल्ट, यदि एंट्रेंस दिया है, यदि एग्जाम कैटेगरी में है तो उसका प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं ऑफलाइन माध्यम से, हिंदी विभाग, दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस में, 30 दिसंबर 2022 से पहले सबमिट करने हैं, चाहे तो 30 दिसंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 30 को तो इंटरव्यू है, 30 को तो इंटरव्यू है, तो 29 को कर दीजिएगा या 28 को कर दीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे, मेरा काम आपको बताना है। सिनॉप्सिस भी आपको अटैच करना है साथ में, सिनॉप्सिस लेकर भी जाना है। ठीक है, एक सिनॉप्सिस की कॉपी जमा होगी, और आप इंटरव्यू के वक्त में चाहे 2 कॉपी लेके जाइए, चाहे 10 कॉपी लेके जाइए, या खाली आज जाइए, ये आपको देखना है। तो ये सूचना थी हिंदी डिपार्टमेंट, क्योंकि 25 दिसंबर की सुबह मैं जब कमेंट कर रहा था बच्चों को, तो मुझे तो लिस्ट मिली नहीं थी, लेकिन किसी सब्सक्राइबर में से, आप में से ही कुछ लोगों ने ईमेल के माध्यम से लिस्ट को भेज दिया, लेकिन लिंक नहीं मिल रहा था, क्योंकि वेबसाइट पर लिंक डाला नहीं गया, लिंक बड़ी देर से डाला गया, लेकिन अब लिंक आ गया है, उम्मीद करता हूं वेबसाइट पर मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, ताकि लिस्ट में अपना नाम आप लोग अच्छे से चेक कर सके। मेरे लिए कोई सुझाव है आपका, कोई सवाल है तो बताइएगा, गर्मी यहां रखिएगा, यहां दिमाग में, ठीक है, और उसको निकाल दीजिएगा सिनॉप्सिस पे और इंटरव्यू कक्ष में, जो सीखा है, जो समझा है पुस्तकों और शिक्षकों से, अब मौका है आप लोगों के पास इंटरव्यू में व्यक्त करने का, इस बात का ख्याल रखिएगा। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मौका मिला, समय मिला, समय रहा, दिल्ली में रहे तो हो सकता है हिंदी विभाग में आपको मिल जाए किसी वक्त, किसी दौर में, क्योंकि इसी डेट्स के बीच में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जिसमें मैं भी शामिल होने वाला हूँ, एज अ वॉलेंटियर ही काम करता हूँ उसमें, तो हो सकता है आप लोगों से भेंट हो जाए, और अगर जिस दिन रहेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको बता देंगे। और आज 25 दिसंबर है, आज रात में आपसे लाइव चर्चा करेंगे, 9:30 या 9 बजे के आसपास में तैयार रहिएगा आप लोग भी, और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके माता पिता, आपके शिक्षकों और आपके पुस्तकों को मेरा दुआ सलाम बोलिए।